अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा YouTube चैनल अदील चौधरी आइवरी देख रहे हैं। लास्ट मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको अपने अफ्रीकन ग्रे बर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि वो कैसी ब्रीड कर रहे हैं और मेरे पास मैंने जो पेयरिंग की हुई है वो कैसे की है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास दो तरह के अफ्रीकन ग्रे हैं, कुछ पेयर हैं वो वाइल्ड हैं और ज़्यादा पेयर्स हैं वो कैप्टिव हैं। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे कैप्टिव बर्ड्स हैं और ये हर वो चीज़ खाते हैं जो इनको सर्व करो। इनका जो फेवरेट फूड है वो पैलेट्स और ड्राई फ्रूट है। इसके अलावा ये तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बड़े शौक से खाते हैं। जो वाइल्ड बर्ड से अगर इनको कंपेयर किया जाए तो उनके कंपेरेटिवली इनकी डाइट बहुत अच्छी है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर जिस बर्ड की डाइट अच्छी होगी वो ब्रीड भी अच्छी करेगा। इसी सीज़न मेरे कुछ कैप्टिव बर्ड्स ने ब्रीड की है और वाइल्ड बर्ड्स के कंपैरेटिवली इनकी ब्रीड भी बहुत अच्छी है। अब मैं इनकी डाइट की बात करता हूँ। तो क्योंकि अफ्रीकन ग्रे है वो हाई फैट बर्ड है, तो इनका जो दाना है मिक्स सीड है वो मैं हर टाइम इनके आगे पड़ा रहने देता हूँ। वैसे एडिशनल मैं इनको पैलेट्स भी देता हूँ। मेरे जितने कैप्टिव पेयर्स हैं वो पैलेट्स बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं इनको पैलेट्स डेली बेसिस पे डालता हूँ। और दूसरी बात, इनको अखरोट भी डेली डालता हूँ। और खाने का प्लान मैंने कुछ इस तरह किया हुआ है, जो चीज़ मैं एक हफ़्ता डालता हूँ उससे नेक्स्ट वीक में मैं टोटल जो डाइट है वो चेंज कर देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वीक में मैं इनको बॉयल्ड मिक्स वेजिटेबल्स डालता हूँ, और सेकंड वीक में इनको मैं बॉयल्ड कॉर्न्स डालता हूँ, और थर्ड वीक में मैं इनको स्प्राउट डालता हूँ, और इसी तरह शाम के वक़्त मैं इनको फ्रूट्स डालता हूँ, जैसे जो भी सीजनल अवेलेबल होता है, जैसे पपाया है, सेब है, अमरूद है, और जो सीजनल अवेलेबल होता है वो मैं इनको सर्व करता हूँ। ब्रीडिंग सीज़न में मैं अपने तमाम बर्ड्स को एग फूड भी डालता हूँ। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और अफ्रीकन ग्रे क्योंकि हाई फैट बर्ड है, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स हैं वो मैं इसमें ऐड करके वो इनको देता हूँ। और स्पेशली कैप्टिव बर्ड है वो इसको बहुत शौक से खाते हैं बनिस्बत वाइल्ड। वाइल्ड बर्ड है थोड़ा मूडी बर्ड होता है और थोड़ा शाय बर्ड होता है, तो वो हर वो डाइट जो आप उसको सर्व करते हैं वो नहीं खाता। तो इसलिए मैं ज़्यादा जो पसंद करता हूँ वो कैप्टिव बर्ड को ही करता हूँ, और जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो पैलेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं तकरीबन 3-4 साल से ट्राई कर रहा हूँ, हर मुमकिन कोशिश की है कि ये पैलेट्स पे सेट हो जाएं, लेकिन ये बिल्कुल पैलेट्स को पसंद नहीं करते। अफ्रीकन ग्रे के ब्लड में कैल्शियम है वो बहुत कम होता है, और इनको स्पेशली ब्रीडिंग सीज़न में बहुत हाई कैल्शियम चाहिए होता है, और इनका कैल्शियम पूरा करने के लिए मैं वो कैल्शियम भी एग फूड में ही ऐड कर देता हूँ। अब केज की बात करते हैं, तो मैंने इनको जो केज साइज दिया हुआ है वो 2.5-3.4 फीट का है, और जो बॉक्स है वो बैक साइड पे है, और बैक साइड पे मैंने तकरीबन 3 फीट की जो गली है वो छोड़ी हुई है, और वहाँ पे बॉक्सेस की है वो बड़ी इजीली इंस्पेक्शन हो जाती है। अफ्रीकन ग्रे मेरा फेवरेट बर्ड है, और फ्यूचर में मेरा कैप्टिव अफ्रीकन ग्रेज के पेयर बनाने का प्लान है। और इनके पेयर्स बनाने का तरीकाकार ऐसे है कि जो आपके पास ब्रीड आती है, अगर आपके पास ब्रीड नहीं आती तो आप यंग बर्ड्स बाय करें और उनको एक बड़ी फ्लाई में छोड़ दें। और हाँ, जब भी अगर आप बाहर से बर्ड्स बाय करें तो उनका डीएनए खुद से मस्त करवाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो बर्ड्स हैं वो कितने मेल हैं, कितनी फीमेल्स हैं। तो जब आप उनको फ्लाई में छोड़ देंगे, वो 1-2 साल रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो पेयर्स बन जाएंगे, और जब नेचुरल पेयरिंग जो इनकी होगी वो सबसे बेस्ट पेयरिंग होगी।
जब इनकी नेचुरल पेयरिंग हो जाए उसके बाद वन बाय वन इनको सेपरेट केजेस में डाल दें और वो जो पेयर बनेगा वो आपका सबसे अच्छा फ्यूचर का ब्रीडिंग पेयर बनेगा। मैंने अपने पूरे शेड में तमाम बर्ड्स के केजेस ऐसे बनाए हुए हैं कि केज के अंदर हाथ मारने की ज़रूरत ना पड़े और जो बर्ड है वो कंफर्टेबल फील करे और जब उनको फूड सर्व करना है वो भी डालने वाला है वो भी आसान रहे। तो इनके जो मिक्स सीड है उनके ड्रॉर्स बनाए हुए हैं और जो पानी और सॉफ्ट फूड है उसके रिवॉल्विंग जो हैं वो बर्तन हैं। विटामिन्स में मैं जो अफ्रीकन ग्रे के लिए यूज़ करता हूँ वो सॉल्वेट डी ब्रीडर है, वो मैं ब्रीडिंग सीजन में ट्वाइस अ वीक देता हूँ और उसके साथ मैं कल्सिविट यूज़ करता हूँ कैल्शियम के लिए। कुछ लोग कहते हैं बर्ड्स को हीट पे लाने वाली मेडिसिन बता दें, तो मेरे मुताबिक तो बर्ड को हीट पे लाने की कोई मेडिसिन नहीं होती। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको सारी डाइट डाल रहे हैं तो वो ठीक है। हाँ, अगर आप ओवरडोज मेडिसिन देंगे तो फीमेल है वो हीट पे ज़रूर आ जाएगी, लेकिन वो मेल से क्रॉस किए बगैर ही अंडे प्रोड्यूस कर देगी और वो इनफर्टाइल होंगे और उससे जो बर्ड है आपका वो भी वीक हो जाएगा। तीन चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इनकी ब्रीडिंग के लिए। नंबर वन, इनका जेंडर कंफर्म हो, मेल फीमेल कंफर्म हो, और दूसरा इनका केज साइज़ इतना हो कि जिसमें बर्ड है वो खुशी से रहे, और तीसरी चीज़ इनकी डाइट। अब वो तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनको ज़रूर सर्व करें जो ये शौक से खाते हैं, और उसके अलावा पैलेट्स, ड्राई फ्रूट और हाई फैट्स प्रोडक्ट वो इनको ज़रूर डालें। अफ्रीकन ग्रे की जो मेच्योरिटी एज है वो 3.5 साल है। कैप्टिव बर्ड है तकरीबन 3.5 साल में अडल्ट हो जाता है। मेरे पास मिनिमम एज का बर्ड जिसने ब्रीड किया हुआ है वो 4 साल है, क्योंकि इसमें जो फीमेल है वो तकरीबन 3.5 साल की मेच्योर हो जाती है, लेकिन जो मेल है वो तकरीबन 4 साल लेता है। मैं इनको डेली शावर भी करता हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। सर्दियों में सिर्फ एक महीना जब शिद्दत की सर्दी होती है तब शावर नहीं करता, नहीं तो उसके अलावा इनको मैं डेली शावर करता हूँ, और इससे इनके जो पर हैं उनकी शाइनिंग भी बरकरार रहती है और ये बड़ा फ्रेश रहते हैं और इनको परों की कोई बीमारी भी नहीं लगती। तो ये सिर्फ पॉसिबल कैप्टिव ब्रीड में ही है, क्योंकि जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं वो बॉक्सेस में घुसे रहते हैं, अगर आप बॉक्सेस उतार भी लें तो वो एक कोने में घुस जाते हैं और वो शौक से शावर नहीं लेते। तो आप ये जैसे वीडियो में देख रहे हैं बर्ड्स कितने खुशी से शावर ले रहे हैं। कैप्टिव ब्रीड में एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि जब आप बर्ड्स के पास जाते हैं तो वो आपको इतना प्यार शो करते हैं कि आपका दिल करता है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मैं डेली तकरीबन 1-1.5 घंटा इनके साथ ज़रूर स्पेंड करता हूँ। इनको हाथ से पैलेट्स खिलाता हूँ, कभी इनको अखरोट खिलाता हूँ या डिफरेंट कोई भी ड्राई फ्रूट जो ये शौक से खाते हैं वो मैं इनको ज़रूर डालता हूँ। मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने अपनी एवरी में अफ्रीकन ग्रे के साथ सन किनी और भी रखा हुआ है जो कि बहुत नॉइजी है, तो क्या ये अच्छी ब्रीड करते हैं? बिल्कुल, मेरे अफ्रीकन ग्रे यूज़ टू हो गए हैं। आप अपने बर्ड्स को जैसे यूज़ टू कर लेंगे वो उसी में ढल जाएंगे। तो मेरे बर्ड्स हैं उनकी ब्रीडिंग है बहुत अच्छी है, वो नॉइज़ी इन्वायरमेंट के आदी हो गए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन के मैंने लास्ट ईयर अपने एवरी में इतने मकाउज रखे हुए थे कि बहुत ज़्यादा शोर था, लेकिन इनकी ब्रीडिंग पे फ़र्क नहीं पड़ा। Thank you.
अफ्रीकन ग्रे में प्लकिंग का भी इशू बड़ा कॉमन है, तो इसका हल ये है कि आप जब आपका बर्ड स्ट्रेस में होता है तो तब वो प्लकिंग करता है, अपने पर नोचता है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने बर्ड के केज में डिफरेंट टाइप्स के जो टॉयज़ हैं वो हैंग कर दें, उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी और वो प्लकिंग से हट जाएगा। ये मेरी कैप्टिव फीमेल है, इसने लेइंग की हुई है और जब मैं इंस्पेक्शन के लिए इसका बॉक्स खोलता हूँ तो बड़ा रिलैक्स फील करती है। दूसरे भी कैप्टिव बर्ड्स हैं, जब उनके मैं बॉक्सेस खोल के इंस्पेक्शन के लिए खोलता हूँ उनके बॉक्सेस, तो उनको कोई डर खौफ नहीं होता, बल्कि वो अपना प्यार है वो जाहिर करते हैं। अगर ब्रीडिंग के हवाले से बात किया जाए तो कैप्टिव बर्ड है वो ज़्यादा बेहतर है वाइल्ड बर्ड से। नंबर वन, आपका जो कैप्टिव बर्ड है वो तकरीबन 4 साल की एज में ब्रीड कर जाता है, और जो वाइल्ड बर्ड है इवन आप येलो आइज़ में भी ख़रीद लें वो फिर भी 3 से 4 साल बाद ही ब्रीड करता है। ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, होता है कि 5-5 साल भी जंगली बर्ड है वो ब्रीड नहीं करता। तो क्यों ना आप कैप्टिव बर्ड ख़रीदें और 3 से 4 साल वेट करें और उसके बाद उसकी ब्रीड को इंजॉय करें। कैप्टिव बर्ड के फ़ायदे ये भी हैं कि वो हर चीज़ खाता है जो आप उसको डालते हैं, आप उसके फैट्स पूरे कर सकते हैं, आप उसकी जो भी डेफिशिएंसीज हैं वो आप उसकी डाइट से पूरी कर सकते हैं। मुझे अक्सर कॉल या मैसेज आता है कि हमें अफ्रीकन ग्रे का जो ब्रीडिंग मेडिसन है वो बता दें, तो इनकी कोई ब्रीडिंग मेडिसन नहीं होती, किसी भी बर्ड की कोई ब्रीडिंग मेडिसन नहीं होती स्पेशल। उसमें ये है कि अगर आपका बर्ड खुश है अपनी जगह पे और उसको वो तमाम चीज़ें जो उसको रिक्वायर्ड हैं तो अगर वो हैं, और दूसरा सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो जेंडर कन्फर्म है, मतलब मेल और फीमेल कन्फर्म है, तो वो ब्रीड ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। उनकी जो नीड्स हैं वो क्या क्या हैं वो आपको ख़ुद भी सर्च करनी है, जो मैं मैक्सिमम बता सकता हूँ वो आपको बताता हूँ, और ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं होती ब्रीडिंग की। जैसे अफ्रीकन ग्रेज हैं मेरे पास स्टार्टिंग में जब मैंने 2014 में लिए थे, 2014 के बाद 2014 में मैंने वाइल्ड पेयर्स लिए थे जो कि 2018 और 19 के स्टार्टिंग में चले थे, तो मैं बड़ा वरीड था कि पता नहीं कौन सी चीज़ है जिससे ये ब्रीडिंग करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बर्ड को ब्रीडिंग की तरफ लेके आता है, बस ये है कि आपने बर्ड को खुश रखना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है, तो इंशाल्लाह वो ब्रीड कर जाएगा। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जो अफ्रीकन ग्रे है उसका केज साइज़ क्या होना चाहिए, उसका मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। मेरे मुताबिक ये जो मैंने केज साइज़ बनाया हुआ है ये मिनिमम ही है, आप मैक्सिमम जितना भी केज साइज़ देंगे आपका बर्ड है वो उतना खुश और हेल्दी रहेगा। और इसमें यह है कि आपने अपनी जगह को देखना है, आपके पास अवेलेबल स्पेस कितना है और उसमें एक ही सेमेट्री में कितने केजेस लग सकते हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है कि आपने अपने शेड में या अपने जिस भी जगह पे आपने बर्ड्स रखने हैं आपकी वो जगह कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपने प्लान करना है। लेकिन जो भी आप केजेस बनाएं वो डेप्थ वाइज होना चाहिए, जिसमें एक पर्च से दूसरी पर्च तक बर्ड है वो फ्लाई इजीली कर सकें।
बॉक्स है वो हमेशा बाहर इसलिए रिकमेंडेड होता है कि जब आपने बॉक्स की इंस्पेक्शन करनी हो तो जो बर्ड है वो डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना हो। अफ्रीकन ग्रे थोड़ा शाय बर्ड है, ये रात के वक्त मेटिंग करता है। ब्रीडिंग सीज़न में मैं इनको बिल्कुल हल्की सी लाइट ज़रूर देता हूँ, क्योंकि मेरा इंडोर शेड है वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है। तो स्पेशली जिन लोगों ने वाइल्ड बर्ड्स रखे हुए हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि ब्रीडिंग सीज़न में अफ्रीकन ग्रे को थोड़ी सी लाइट ज़रूर दें रात के वक्त, ताकि वो अपनी एक्टिविटी है वो उसमें उनको आसानी रहे। और इनको रात को फूड ज़रूर डालें जिनके पास वाइल्ड बर्ड्स हैं, क्योंकि ये रात को जितना खाते हैं उतना दिन को नहीं खाते। मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि हमारे जो अफ्रीकन ग्रे हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, कभी हम बॉक्स में से मरा हुआ बर्ड निकालते हैं, कभी वो इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है कि एक दो दिन बाद मर जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब वाइल्ड बर्ड है, ये ज़्यादातर वाइल्ड बर्ड में ये इशू आता है, क्योंकि वो बर्ड इतना ज़्यादा डरता है, लोग उनके बॉक्सेस उतारते नहीं हैं, कहते हैं कि पता नहीं इनका गर्मी में ब्रीडिंग सीज़न है और अप्रैल मई में इतनी ज़्यादा शिद्दत हो जाती है गर्मी के कि बर्ड है वो इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है कि डर की वजह से भी वो बॉक्स से बाहर नहीं निकलता। तो मैं सबसे ये रिकमेंड करूँगा कि जो लोगों को ये इशू आता है वो अपने बॉक्सेस गर्मी स्टार्ट होने से पहले पहले उतार दिया करें, ताकि आपका जो बर्ड है वो आपकी नज़रों के सामने रहे। ब्रीडिंग सीज़न में मैं डेली शेड की लाइट्स बंद करने से पहले अफ्रीकन ग्रे को रोज़ अखरोट, बादाम, पीनट्स या ओमेगा पैलेट्स हैं वो ज़रूर सर्व करवाता हूँ। और जब सुबह आके देखते हैं तो स्पेशली वाइल्ड बर्ड्स हैं, उन्होंने सब कुछ ख़त्म किया होता है। मेरे तमाम अफ्रीकन ग्रे के कैप्टिव पेयर हैं वो क्लोज बैंडरिंग हैं। उनका फ़ायदा ये है कि उनका जो जिस साल में वो पैदा हुए हैं और जिस फार्म के बर्ड्स हैं उन पे वो रिंग्स पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपका कैप्टिव पेयर्स बनाने का प्लान बने तो आप अपने बर्ड्स को क्लोज बैंड रिंग ज़रूर पहनाएं और उस पे वो तमाम इंफॉर्मेशन लिखें जो आपका बर्ड ख़रीदे उसको उससे फ़ायदा हो। अफ्रीकन ग्रे में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने ये ज़रूर कंफर्म कर लेना है कि जब भी आपको कोई ट्रेडर या कोई भी बंदा आपको बर्ड दे रहा है, क्या उसके डीएनए ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन ग्रे मेल और फीमेल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो आप जब भी बर्ड्स बाय करें अपनी कंफर्मेशन के लिए उनके दोबारा से या तो डीएनए करवाएं या किसी ऐसे बंदे से लें जिसकी मार्केट में रेपो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस की हुई हैं। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया हुआ है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अफ्रीकन ग्रे बाय किए थे तो मेरे जो दो पेयर थे वो मेल्स के थे, लेकिन उनका जो डीएनए था वो मेल और फीमेल का था। जब मैंने दोबारा 2 से 3 साल के बाद उनका डीएनए करवाया तो वो मेल के पेयर बनाए हुए थे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। मेरे पास अफ्रीकन ग्रे से मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी।
अब आपको डिसाइड करना है आपने अफ्रीकन ग्रे के कैप्टिव पेयर्स बाय करने हैं या वाइल्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhary YouTube channel.